अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक हैं। अब चलते हैं अंजुम की किचन में, कुछ बनाने जा रहे हैं। आज की रेसिपी है दाल पालक पनीर। चलते हैं किचन की तरफ। ये देखिए, हमने पानी चढ़ा दिए हैं कुकर में, और ये अरहर की दाल है, इसको डाल देना है। इसको हम धो के रखे थे दाल को। इसमें एक चम्मच नमक डालना है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, पेस्ट अब इसको बंद करके, सॉरी इसमें हल्दी डालना भूल गए। इसको बंद कर देंगे, दो सीटी तीन सीटी लगाना है। फिर आगे का ये देखिए, हमने एक डेगची में पानी बॉईल करने के लिए चढ़ाए हैं। आप लोग सोचते होंगे कि पानी क्यों बॉईल करने चढ़ाए हैं। इसमें हम एक चम्मच चीनी डालेंगे, देखिए पालक साग को अच्छे से हमने धो धा के रखे हैं। एक ट्रिप से पालक साग हरा रहेगा, एकदम ग्रीन रहेगा। इसको एक उबाल आने तक का पकाएंगे। और इधर देखिए, हमने कोल्ड वाटर रखे हैं, आइस देखिए, ये देख लीजिए। इसको छानेंगे इसमें एक ट्रिप से, क्योंकि हमारे जो साग के कलर एकदम नहीं जाएंगे। ये देखिए, हमारे एक बॉयल आ चुके हैं, एक उबाल। अब हम इसमें इसको छान के आइस पानी में डाल देंगे। गैस बंद कर दिए हैं। ये देखिए, इसे अब हमको एक जार में ग्राइंडिंग करना है, इसको डाल के। ये धनिया पत्ते हैं और हरी मिर्च, एक छोटे टुकड़े अदरक के हैं। इसको डालने से बहुत टेस्ट बनेगी। इसको ग्राइंडिंग करना है। और देखिए, हमने 1.5 लीटर दूध में अपना घर में बनाए हैं पनीर। ये देखिए, हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हमने घी डाले हैं और ऑयल भी डाले हैं। आप चाहे खाली ऑयल में बनाइए या बटर में बनाइए या घी में बनाइए, वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है, लेकिन हमने ऑयल और घी डाले हैं। और देखिए, ये तेज पत्ते हैं, दालचीनी, लौंग है और जीरा, दो सूखा मिर्ची हैं। इसको अभी हमको इस तरह का डालना है। जीरा कलर आ जाने दीजिए जीरा में। अब फ्लेम जो है थोड़ा सा लो ही रखिएगा। ये देखिए, हमने अदरक लहसुन का
छोटे छोटे टुकड़े कट करके रखे हैं, इसको डालना है। लहसुन जो है बहुत अच्छा फ्लेवर देता है पालक के साग में। अब हम डालेंगे इसमें प्याज, हरा मिर्च। हमने थोड़ा उसमें ज़्यादा हरा मिर्च डाल दिए थे, हमसे क्योंकि तीखे हो जाएंगे इसलिए उसमें थोड़ा कम डाले हैं। आप चाहे तो ज़्यादा कट कर करके डाल सकते हैं। ये देखिए हमारे ऑनियन जो है हल्के से पीक होके आ रहे हैं, और इसमें हम लोग टमाटर डालेंगे। तो अच्छी तरीके से मिला के पकाना है, टमाटर पूरा मैश हो जाए तो लो फ्लेम पर इसको ढक देना है। तो आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। क्या बेहतरीन खुशबू आ रही है, हमारे पूरा पक गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो मिर्चा पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाले इसलिए कि हम लोग पहले से थोड़ा हरी मिर्च ज़्यादा पीसे हुए थे, तीखी हो जाएगी। थोड़ा सा पानी देना है, थोड़ा सा मसाला को पकाएंगे फ्लेम में, फिर दिखाते हैं आपको। ये हो गया है, पक गया है अच्छी तरीके से, मसाले पक गए हैं। अब हम इसमें कस्तूरी मेथी छोड़ेंगे, दही 2 चम्मच, इसको घर में जरूर बनाइए, बहुत बेहतरीन बनता है दाल पालक पनीर। आप लोग पालक पनीर तो खाए होंगे, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार घर में जरूर ट्राई करिए। अच्छे से थोड़ा मेल्ट हो जाए दही कसूरी मेथी, अब हम इसमें ग्राइंडिंग किए थे पालक के साथ इसको डाल रहे हैं। इसको हम लोग 5 मिनट पका लेंगे, उसके बाद हम लोग दाल छोड़ेंगे। हम लोग हमारे पालक पक चुके हैं, बहुत अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए अब हम इसमें दूध डालेंगे, Thank you.
चाहे तो क्रीम डाल सकते हैं, लेकिन इसको एक बार जरूर घर में ट्राई करिए। तो बनाते होंगे घर में कभी मेरी तरह। दूध हमारे इसके साथ में मेल्ट हो गए हैं। अब हम डालेंगे इसमें लास्ट दाल। दाल हमारे पके हुए हैं, इसमें हमको गरम मसाला डालना है। तो देखिए हमने पनीर को रोस्ट करके रखे हुए हैं, थोड़ा सा देसी घी में इसको डाल देना है। इसमें नमक डालना है क्योंकि हमने दाल में नमक डाले हैं, इसलिए नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि इसको रोटी में खाना है, ज़्यादा हो जाए तो अच्छी नहीं लगेगी। रोटी हो, पराठा हो, आप जिसमें भी खा सकते हैं, चावल हो। इसको 5 मिनट पका के आपको दिखाते हैं। हमारे दाल पालक पनीर बन चुके हैं, अब इसमें हम लोग देसी घी डालेंगे। ये देखिए, ये मेरे देसी पालक पनीर की सब्जी रेडी हो चुके हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। इसको घर में ज़रूर ट्राई करिए एक बार, बहुत मज़े की बनती है। और ये मेरी शायरी सुन लीजिए, मतलबी लोगों को पहले जो चाँद नज़र आता है, मतलब निकलने के बाद उस चाँद में भी दाग नज़र आता है। मतलबी लोगों को पहले जो चाँद नज़र आता है, मतलब निकलने के बाद उस चाँद में भी दाग नज़र आता है। ये मेरी रेसिपी अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।